नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ चल रहे अभ्यास मैच में एक विचित्र शैली की गेंदबाजी का सामना करना पड़ा। बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के लिए खेल रहे 24 साल के गेंदबाज अक्षय कर्णेवार ने अपनी तरकस से ऐसे तीर निकाले जिससे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैरान रह गए। दरअसल अक्षय ने मैच में अपने कोटे के डाले गए 6 ओवरों में से एक ओवर में दोनों हाथों से गेंदबाजी की, जो क्रिकेट में आम तौर पर बहुत कम देखने को मिलता है। अपने 6 ओवरों में अक्षय ने ट्रेविड हेड का एक विकेट भी लिया। विदर्भ के 24 साल के अक्षय को दोनों हाथों से एक जैसी गेंदबाजी करने की काबिलियत हासिल है। अक्षय ज़्यादातर दाएं हाथ के बल्लेबाजों को बाएं हाथ से और बाएं हाथ के बल्लेबाजों को दाएं हाथ से गेंद फेंकते हैं। अक्षय दाएं हाथ के बल्लेबाजों को बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए दाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी डालते हैं। अक्षय जन्म से बाएं हाथ से काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर के रूप में की। इससे पहले अक्षय सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2016 में दोनों हाथ से गेंदबाजी कर सुर्खियों में आए थे। अक्षय 17 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं। IPL 2016 में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा था। डेली डायरी टीम इस युवा खिलाड़ी को सैल्यूट करती है। अगर आपको भी इसकी गेंदबाजी शानदार लगी हो, इसकी गेंदबाजी करने का तरीका आपको बेहद पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो पर इसकी तारीफ करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट बॉक्स पर हमको आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।